जयदेव, जय माँ भवानी और जय सत धर्म। तो भाइयों, ये डॉक्टर दिलगीर है जो कि शरेआम डोगरों को राजपूतों का नाजायज औलाद बता रहा है। गुलाब सिंह ने फिर सिखा का बड़ा नुकसान किया उस तो बाद। ठीक है, डोगरों का जम्मू नाल शुरू तो लगा वैसली सी क्योंकि इन्हों की मदरलैंड आई सी, इतों ही उठ के आई सके मदरलैंड आई सी। ठीक है, इतनी सर कहती मदरलैंड नजायज़ बच्चे सन गोरिया के राजपूतों के, राजपूतों के नजायज़ बच्चे सन। तो भाई जैसे कि आपने सुनी, ये डॉक्टर दिलगीर, इस चीज इंसान को बोलना चाहता हूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने डोगरा और राजपूतों का अपमान करने की कोशिश की। तुझे ये नहीं पता कि डोगरा कोई जाति नहीं है, डोगरा एक कल्चर है जो डोगरी बोलता है। तुझे ये नहीं पता कि डोगरा और राजपूत में फ़र्क क्या है, डोगरा एक कल्चर है ना कि उसकी औलाद है। वो तो डोगरा राजपूत एक ही है, जो डोगरी बोलता है वो डोगरा राजपूत है। और दूसरी बात ये है कि तेरी हिम्मत कैसे, क्या नुकसान किया तुम्हारा। महाराजा रणजीत सिंह जो जम्मू में हमला करता है पहली बार 1808 में, उसके खिलाफ डोगरा राजपूत लड़ते हैं। उसके बाद जब वो कब्जा कर लेता है तो दूसरी बार फिर महाराजा गुलाब सिंह थे, उसने कैसे करके भी अपना राज वापस ले लिया। और 1841 में जो सिंधी हुई थी सारी हिंद पर अंग्रेज़ों के साथ, उसके 75 लाख चुकाने थे, अंग्रेज़ों ने कर दिया हमला उसकी मृत्यु के बाद, और पूरा का पूरा पंजाब अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। और महाराजा जो गुलाब सिंह थे उनका जम्मू कश्मीर में राज था, तो उन्होंने 75 लाख दे दिया उनको। और पहले जम्मू में राज था, उन्होंने कश्मीर भी अपने कब्जे में ले लिया और वो बन गए जम्मू कश्मीर के महाराजा। वो उनका राज था, उनकी मदरलैंड को आपने कब्जा मारा था, और बे महाराजा रणजीत सिंह से जैसे भी उन्होंने ली थी वापस, और इसी वजह से तुम्हें तकलीफ होती है। महाराजा रणजीत सिंह वही इंसान था जिसने जम्मू पर हमला किया, मियां डिड्डो लड़े थे, रजौरी में हमला किया, जरार राजपूत लड़े थे, बिंबर में हमला किया, चिब्बर राजपूत लड़े थे, उधमपुर क्रिमची में हमला किया, वहां के बुटियाल राजपूत लड़े थे, उधर जाकर हमला किया उसने नूरपुर में, पठानकोट में, वहां पर पठानिया राजपूत लड़े थे। इन सब का जो बदला था वो महाराजा गुलाब सिंह ने अपना राज वापस लेकर लिया, तो इसमें गलत क्या किया आप खुद बताओ। वो था रणजीत सिंह जिसने जम्मू में हमला किया, अपनी मदरलैंड पर हमला किया, उसके बारे में तुम नहीं बताओगे कि क्यों किया उसने, जम्मू में हमला क्यों किया, क्या वजह थी हमला करने की, क्या वो सच्चा एक योद्धा महाराजा हो सकता है जो किसी के स्टेट पर हमला कर रहा हो और राजपूतों ने उसको वापस ले लिया, तो क्या गलत कर दिया।